नमस्कार, मैं मोहित बिष्ट और इस वक्त मैं हूँ होटल अमरदीप हल्द्वानी में, और जहाँ आज हमें सेफ साहब ने कहा क्यों ना आप आज हमारे होटल में आए और हमारे यहाँ का लजीज खाना टेस्ट करें। और तमाम हम देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टाफ है काफ़ी अच्छा है, और हमारे साथ में है यहाँ के GM सर। सर कहाँ से हैं आप? मैं गंगोलियाड पिथौरागढ़ से हूँ। सर नाम क्या है आपका? केदार सिंह मेहरा। केदार सिंह मेहरा जी हैं हमारे पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले के हैं, और काफ़ी अच्छी सर्विस इन्होंने दे रखी है। हमने देख रहे हैं हम बाहर से होटल को अगर देखते हुए आ रहे हैं, जो यहाँ गेस्ट का रिव्यू है, जो लोग हैं काफ़ी पसंद कर रहे हैं इस होटल को, और आए दिन से यहाँ पर हम देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे गेस्टों की यहाँ पर मीटिंग होती है, और यहाँ पर पार्टी अरेंज करते हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। सर क्या नाम है आपका? आनंद सिंह मेहरा। आनंद सिंह मेहरा यहाँ के सेफ हैं, और कितना स्टाफ है आपके पास में अभी? सर अभी किचन में हमारे पास 20 स्टाफ है। 20 स्टाफ है सर। तो क्या क्या बनाते हैं आप खाने में? लजीज स्पेशल क्या है आपके यहाँ? स्पेशल सर पूरा पहाड़ी खाना है। पूरे पहाड़ी खाना ही बनाते हैं, तो बहुत अच्छा। देखो अगर आपको पहाड़ी खाना अगर पसंद है और आप पहाड़ की तरफ आते हैं, हल्द्वानी आते हैं, तो आप यहाँ पर लजीज खाना जो है इस होटल में खा सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन है। और हम भी यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं आज फूड को, आपको दिखाएंगे, और तमाम जो स्टाफ है यहाँ का आप देख सकते हैं, एक कुशल स्टाफ जिसे हम बोल सकते हैं वो यहाँ पर रखा हुआ है। हल्द्वानी के अंदर में इतना बढ़िया होटल शायद ही मैं आज यहाँ पर आया हूँ, तो मेरे को तो सबसे बेहतरीन होटल लगा है, क्योंकि हम लगातार जाते रहते हैं, तो देख सकते हैं आप ये तमाम चीज़ें। और अगर हम अंदर एंटर करते हैं तो ये है मेन रिसेप्शन, और जिसकी आप लुक देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी बेहतरीन लुक यहाँ पे होटल का बनाया हुआ है। एक वास्तव में अगर ब्रांडेड होटल की बात हम अगर हल्द्वानी में करें तो हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और आगे बात करते हैं हम यहाँ की फूड क्वालिटी की। तो सेफ साहब है हमारे सामने, सेफ साहब क्या क्या बनाया है आपने एक बार जरा हमें दिखाने? सर आज स्पेशल बना के रखा है हमने, पहाड़ी खाना बना के रखा है जी, पूरा पहाड़ी स्टाइल में। अच्छा तो बताएं क्या क्या है? सबसे पहले ये मच्छी बिरयानी बना के रखा हमने, ये अच्छा मच्छी दम बिरयानी। अच्छा। तंदूर से। अच्छा। उसके बाद बना के रखा ये मूली का सब्जी। अच्छा। मूली के पत्ते के। फिर ये इसमें बना के रखा हमने भटके चुटकानी। अच्छा। पहाड़ी स्टाइल में भटके चुटकानी। और ये मच्छी कड़ी। अच्छा। और ये मडवा का रोटी। मडवे की रोटी है देखो पहाड़ की फेमस। और साथ में गुड़ है। गुड़। और यहाँ पे भटके डुबके है। भटके डुबके हो गया। और आलू का थिचवा है। आलू का थिचवा हो गया। कुमावनी रायता है। कुमावनी रायता। और ग्रीन चटनी है। ग्रीन चटनी हो गई। भांग का चटनी है। भांग की चटनी। और यहाँ पे चुकंदर का बर्फी बना के रखा स्पेशल। चुकंदर का बर्फी। और वहाँ पे लौकी का बर्फी बना के रखा है। लौकी का बर्फी। और ये हमारी की मेहनत देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ बताइए। और ये पहाड़ी नमक है भांग का। पहाड़ी नमक। और ये भी नमक है, हरी मिर्ची का नमक बना के रखा है ये। अच्छा तो ये देख सकते हैं इतने डिशेज इन्होंने बना के रखी हैं आज। हमने चुकंदर का बर्फी बना के रखा है पहाड़ी स्टाइल में। और ये लौकी का बर्फी बना के रखा है पहाड़ी स्टाइल में। इसमें सर पहले हमको लौकी को छिलना पड़ता है, उसके बाद लौकी को बॉयल करना पड़ता है। अच्छा। उसके बाद घी और दूध में पकाना पड़ता है इसको। और बाद में खोया डालना पड़ता है इसमें, तब जाके बर्फी बनती है। तो ये सब चीज़ें आप अपने YouTube चैनल में दिखाते हैं? यस सर। कौन सा चैनल है आपका? कुकिंग ब्लॉग आनंद मेहरा। अच्छा ठीक है, तो हम मेंशन कर देंगे आपकी ID भी। गुड आफ्टरनून सर, दिस इज अवर होटल अमरदीप होटल। वी आर हैविंग अवर 61 रूम्स इन अवर this hotel, and we are having 5 different categories. Starting, we are having 3 normal categories. First one is Casa Superior, then Casa Executive, then Casa Prime, and after that we are having 2 suite categories, Royal Suite and Presidential Suite. And total we are having 3 floors in our this property, and we are having swimming pool, cafe, restaurant, bar, gym plus spa, disco, banquet, conference hall also. Proper address for this location? Proper address will be Deval Chowk Chowra, Rampur Road, Hal'dwani. Almost it will be take from the Chowra, it will take only 5 minutes, sir. Okay. It is on the way of Rudrapur main road. तो हमारे साथ में है इस वक्त जनरल मैनेजर साहब। नाम केदार सिंह मेहरा जी। आप कहाँ के रहने वाले हो सर? मैं सर गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से हूँ। अच्छा, तो कितना समय हो गया सर आपको इस होटल में? होटल में सर मुझे अभी 3 साल हो गए हैं। अच्छा। बाकी जो होटल के ऑनर हैं उनके साथ में कम से कम 8-9 साल हो गए हैं जुड़े हुए जी। बाकी 21-22 साल मुझे होटल में
एक्सपीरियंस है मुझे जी। तो आपको समस्त उत्तराखंड की जनता दिख रही है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको? उत्तराखंड में सर देखिए काफ़ी फंक्शन वगैरह तो होते रहते हैं, शादी विवाह तो काफ़ी होते रहते हैं, बाकी हमारे पास यहाँ पर बैंकेट हॉल है, लॉन है, 250-300, 350-400 लोग तो आराम से फंक्शन हो जाता है यहाँ पर। बाकी हमारे पास 61 कमरे भी हैं इसमें, स्विमिंग पूल भी है और जिम भी है, स्पा भी है, और सारी सुविधाएँ हैं हमारे पास, पार्किंग की सारी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं यहाँ पर, और नीट और क्लीन बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से मिलेगा सारी चीज़ें। तो सर आप किस तरह गेस्टों को मैनेज करते हैं और किस तरह उनसे आग्रह करना चाहते हैं? गेस्टों से सर हम पूरा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं गेस्ट को, हम अपना एक उनको परिवार की तरह समझते हैं, हर तरीके से निभाते हैं। कोई अगर जैसे उनकी बजट के हिसाब से भी चलते हैं हम लोग, है ना, हम तो जो भी गेस्ट को, क्योंकि क्या होता है कि शादी विवाह के फंक्शन ऐसे होते हैं कि उसमें काफ़ी लोग घबराए होते हैं, यार कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, तो मेरे पास जितने भी गेस्ट आते हैं बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि आप केवल एक पंडित जी लेके आइए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, सब व्यवस्था करा देंगे, सब पूरी व्यवस्था करा लेंगे। जी जी बहुत अच्छी बात है। और उसमें सभी लोग खुश भी हो जाते हैं, काफ़ी फीडबैक भी, मेरा गूगल रिव्यू भी काफ़ी अच्छा है मेरे नाम से, अगर आप चेक करेंगे तो उसमें, तो हम पूरा एक फैमिली फंक्शन की तरह करते हैं पूरा। थैंक यू। तो ये लजीज खाना बनाया हुआ है हमारे लिए स्पेशल, आप देख सकते हैं कितने प्रकार के यहाँ पे भोजन की डिशें तैयार की गई हैं, और यहाँ जो होटल के शेफ हैं आनंद सिंह मेहरा, उन्होंने हमको इनवाइट किया था कि आप हमारे होटल में आए, वो अपने हाथों से हमको अपना लजीज खाना टेस्ट कराएंगे, और जिसके बाद में हमने पूरा होटल का एक रिव्यू लिया तो काफ़ी अच्छा लगा। एक हल्द्वानी के अंदर में इस तरह का एक बेहतरीन होटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी तरह तरह के पकवान जो है वो हमारे लिए बनाए हुए हैं, और आज तो हमें मज़ा आने वाला है। तो आप भी वीडियो को शेयर करें और इन्जॉय करें। धन्यवाद।